बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लेक्चर नंबर 3। तो शुरू करते हैं बच्चों बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के ऊपर आज के सेशन को। काफी सारे बच्चे आ चुके हैं, लेट मी हैव अ लुक कौन कौन से बच्चे आ गए हैं। देवव्रतो ने ज्वाइन कर लिया है, शेखर ने ज्वाइन कर लिया, साकिब आ चुके हैं, शिवानी, सबा फिरदौस, प्रवीण मिश्रा। बच्चों जब बोलना पड़ता है ना तो कई बार ऐसा महसूस होता है जैसे इस कंडीशन में दम घुट सा रहा है ना। तो इस कंडीशन में एक चीज तो तय है कि आप बहुत ज्यादा बातचीत नहीं कर सकते, क्योंकि बातचीत करेंगे तो फिर सफोकेशन होने की संभावना रहती ही रहती है। मैंने वैसे ही ट्राई किया क्योंकि अब लॉकडाउन खुलने वाला है तो अब जरूरत है नहीं इसकी वैसे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इसको बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दें। घर से बाहर जब निकलें तो इस मोड का इस्तेमाल जरूर करें। तो इट्स फीलिंग मच बेटर नाउ, ठीक है ना बच्चों। आपको भी पता है मास्क की आवश्यकता बहुत अधिक है, लेकिन मास्क लगा करके बातचीत करना जरा मुश्किल हो जाता है, और क्लास लेना तो और भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि एनर्जी की होती है आवश्यकता, और वो एनर्जी कहीं ना कहीं अटकती सी नजर आती है, रुकती हुई नजर आती है। इसलिए जरूरी है कि आप नॉर्मल मोड पर आ जाएं, ठीक है ना। दस्तगीर स्वागत है बच्चे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 9th and 10th बुक ही पढ़ते हैं आप। इफ आई डायरेक्टली डू 11th and 12th कोई समस्या की बात नहीं है, मेरे सेशन करके आप समझ सकते हैं। लेकिन आज क्विज है, आज के सेशन में क्विज है, शुरुआत में हम थोड़ी सी थ्योरी जरूर करेंगे। दीपक स्वागत है, दीपक के अलावा डॉक्टर शेख गुड इवनिंग, और भी बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं। ठीक है बच्चों तो शुरू कर दें। पहले थोड़ी कुछ मिनट हम करेंगे थोड़ी सी थ्योरी मोनेरा के ऊपर और फिर उसके आगे चल देंगे। यानी कि बच्चों आज भी हम थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं मोनेरा के ऊपर, क्योंकि कल हम करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के ऊपर क्वेश्चंस। और जैसा कि मैंने कहा है जैसे ही ये चैप्टर समाप्त होता है इसके बाद एक दिन क्वेश्चन एक दिन थ्योरी करके किया करेंगे, या कुछ और तरीका इस तरह से, कहने का मतलब क्वेश्चन आपको ज्यादा करने को मिले इसके लिए हम पूरी की पूरी अपनी कोशिश को जारी रखेंगे, ठीक है ना। चलिए शुरू कर देते हैं सेशन। शिवानी बहुत जरूरत थी डार्क चॉकलेट्स की, थैंक यू सो मच। शेखर सुमन थैंक यू फॉर द हार्ट्स बच्चे। डॉक्टर शेख स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आज है 3rd लेक्चर, यानी कि पहले दिन के लेक्चर में हमने पढ़ा कि किस तरह से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को किया जाता है, व्हाट आर द डिफरेंट क्लासिफिकेशन प्रोसेसेस एंड द सिस्टम्स। दूसरे दिन हमने पढ़ा बैक्टीरिया के बारे में, और आज भी पढ़ेंगे बैक्टीरिया यानी कि मोनेरन्स के बारे में, जिसमें आरके बैक्टीरिया पढ़ा हमने, यू बैक्टीरिया पढ़ा, प्रोकैरियोट पढ़ा। आज भी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन बैक्टीरिया के ऊपर और फिर क्वेश्चन, ठीक है ना। फॉर ऑल दो स्टूडेंट जिन्होंने आज पहली बार मेरा सेशन ज्वाइन किया बच्चों, माय नेम इज प्रदीप सिंह एंड आई एम अ बायोलॉजी एजुकेटर ड्राइविंग द एजुकेशन रेवोल्यूशन इन आवर कंट्री एंड ट्राइंग टू प्रोड्यूस मैक्सिमम डॉक्टर्स। बाकी ये सारी चीजें यहां पर जो हैं सब सेकेंडरी, आप हैं प्राइमरी। नाउ बच्चों बात करते हैं प्लस और आइकॉनिक। डिटेल लर्निंग के लिए आप हमारे साथ प्लस कोर्सेज और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, प्लस और आइकॉनिक दो तरह के सब्सक्रिप्शन है, इनके साथ भी जुड़ सकते हैं। यहां पर देखिए डिफरेंट फीचर्स आपको मिलते हैं। जुड़ने के लिए करना क्या है आपको, बड़ा सिंपल प्रोसेस है, ये रहा डिफरेंट ड्यूरेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन, यहां से अपनी जरूरत का सब्सक्रिप्शन, और यूज करना है कोड प्रदीप लाइव। ध्यान रहे कोड प्रदीप लाइव, एक चीज। और दूसरी चीज ये कि 1st of March से पहले ज्वाइन कर लीजिएगा जिनको ज्वाइन करना है, क्योंकि अभी है 10% डिस्काउंट, 5% डिस्काउंट रह जाएगा। चलिए शुरुआत कर देते हैं। नाउ बच्चों रेस्पिरेशन इन यू बैक्टीरिया, ये आज का जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है। यू बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन कई तरीके से होता है, ऑब्लिगेट तरीके से होता है, फैकल्टेटिव तरीके से होता है। इसकी जो बारीकी है ये भी समझ लेना जरूरी है, क्योंकि इसके ऊपर आते हैं प्रश्न, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन टॉपिक्स के ऊपर, ठीक है ना। सो बेस्ड अपॉन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दे आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप। रेस्पिरेशन एरोब्स के द्वारा भी होता है और एनारोब्स के द्वारा भी होता है। एरोब्स के द्वारा एरोबिक रेस्पिरेशन, शेखर थैंक यू फॉर द चॉकलेट बच्चे, प्रेमराज शीर्षो गुड इवनिंग स्वागत है आप सभी बच्चों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ तो एरोब्स में दो तरह के होते हैं, फैकल्टेटिव और ऑब्लिगेट। इधर एनारोब में भी दो तरीके के, फैकल्टेटिव और ऑब्लिगेट। तो क्या है ये फैकल्टेटिव एरोब और फैकल्टेटिव एनारोब, फिर ऑब्लिगेट एरोब और ऑब्लिगेट एनारोब। चलिए ऑब्लिगेट एरोब, ऑब्लिगेट एरोब, ऑब्लिगेट का मतलब होता है उनकी डिपेंडेंसी उसी टॉपिक के ऊपर है। मतलब जिस ऑक्सीजन की बात करते हैं अगर एरोब हम कह रहे हैं, यानी कि ऑक्सीजन चाहिए तो ऑब्लिगेट है, चाहिए ही चाहिए, इसके बगैर काम हो नहीं सकता। ठीक है ना, तो यह है कहानी। रेस्पायर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एग्जाम्पल बैसिलस सबटिलिस। बैसिलस सबटिलिस बहुत तरह की एंटीबायोटिक्स का सोर्स है। तो बच्चों बैसिलस सबटिलिस अकेली ऐसी स्पीशीज है जिसमें से बहुत सारे 60 के करीब करीब एंटीबायोटिक्स को ऑब्टेन किया जा सकता। तो ये ऑब्लिगेट एरोब है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही करेंगे रेस्पिरेशन, बिना ऑक्सीजन के ये रेस्पिरेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, ऑब्लिगेट है, बचेंगे ही नहीं। दूसरा है फैकल्टेटिव एरोब। फैकल्टेटिव एरोब क्या है भाई? बैक्टीरिया विच नॉर्मली रेस्पायर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बट कैन रेस्पायर इन इट्स प्रेजेंस ऑल्सो। तो ध्यान दीजिए, फैकल्टेटिव जब एरोब के साथ लगा तो वो है क्या? एनारोब, यानी कि बिना ऑक्सीजन के सरवाइव करते हैं और कभी कभी एरोबिक कंडीशन में भी सरवाइव कर सकते हैं, जैसे कि क्लोरोबियम। ठीक है ना, ध्यान रहे, बैक्टीरिया विच नॉर्मली रेस्पायर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बट कैन रेस्पायर इन इट्स प्रेजेंस ऑल्सो। ऑक्सीजन मिल भी गया तो नुकसान नहीं है, जिंदा रह लेगा, क्लोरोबियम। अच्छा, ऑब्लिगेट एनारोब कहने का मतलब है दे रेस्पायर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनर्जी लिबरेटेड ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन इज लेस, जो भी है, लेकिन एनारोबिक कंडीशन में ही रहेंगे। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, यानी कि वो बैक्टीरिया जो फूड पॉइजनिंग करता है, ये एक तरह का ऑब्लिगेट एनारोब है। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी इसमें आते हैं, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया आर ऑब्लिगेट एनारोब। हाइड्रोजन सल्फाइड को ये यूज करते हैं, हाइड्रोजन डोनर इंस्टेड ऑफ वाटर। हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन ये ले लेते हैं। देख लीजिए बिल्कुल वही रिएक्शंस हैं, जैसे कि H2O के साथ रिएक्शन था तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड मीडियम में जो है अपना रेस्पिरेशन करते हैं। तो दीज आर ऑब्लिगेट एनारोब्स। ठीक है ना, केमिकल एनर्जी को लिबरेट करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड की प्रेजेंस में। और फैकल्टेटिव एनारोब क्या है? रेस्पायर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इफ सफिशिएंट ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल, ये स्विच ओवर कर लेते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। स्यूडोमोनास, इनके बारे में जो रेगुलर लेक्चर हैं उनमें खूब डिटेल से बताया जा चुका है आप लोगों को। थ्योरी पोर्शन इसलिए करा रहा हूं, एक बार क्विक रिकैप क्वेश्चंस को करने से पहले। ठीक है, अब न्यूट्रिशन देखिए, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक दोनों मोड पाए जाते हैं। फोटो ऑटोट्रॉफ है और कीमो ऑटोट्रॉफ है। बच्चों मोनेरा में, किंगडम मोनेरा में न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी सबसे अधिक पाई जाती है। फोटो ऑटोट्रॉफ क्या करते हैं? लाइट एनर्जी को यूज करते हैं बट एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस विदाउट लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन, एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ठीक है, क्यों करते हैं भाई एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस? हाइड्रोजन सल्फाइड मीडियम से लेते हैं हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन तो लिबरेट होगा नहीं, सल्फर होगा, सल्फर तो गैसियस है नहीं। सो नाउ क्लोरोबियम एंड रोडोस्पिरिलम, ये है एग्जाम्पल फोटो ऑटोट्रॉफ्स के, लेकिन एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं। कीमो ऑटोट्रॉफ्स कौन से हैं? केमिकल एनर्जी यूज करते हैं, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास। ठीक है, हेटरोट्रॉफिक में पैरासिटिक हो सकते हैं जैसे कि विब्रियो कॉलेरी, डिकम्पोजर हो सकते हैं स्यूडोमोनास, सिम्बायोटिक हो सकते हैं राइजोबियम, इकोलाई एक्सेट्रा। तो ये हो गया इनका फूड का। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, लेस देन 1% ऑफ द बैक्टीरिया कैन डू दिस ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ध्यान रहे, ज्यादातर बैक्टीरिया हेटरोट्रॉफ्स ही होते हैं, ऑटोट्रॉफिक जो करते हैं न्यूट्रिशन वो 1% से भी कम है। और हैं कौन से? ज्यादातर इनमें ब्लू ग्रीन एल्गे आ जाते हैं जो ऑक्सीजेनिक हैं और एनऑक्सीजेनिक वाले आ जाते हैं। सो बैक्टीरिया शोइंग दिस मोड आर फोटो ऑटोट्रॉफिक एंड कीमो ऑटोट्रॉफिक। तो 1% से कम बैक्टीरिया हैं जो ऑटोट्रॉफिक हैं, सब हेटरोट्रॉफ हैं ज्यादातर। पिगमेंट्स अकरिंग इन द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड, बैक्टीरियोक्लोरोफिल और बैक्टीरियोफेओफाइटिन, बैक्टीरियोक्लोरोफिल और बैक्टीरियोफेओफाइटिन। लेकिन एक चीज का ध्यान रहे, जो ब्लू ग्रीन एल्गे हैं उनमें क्लोरोफिल ए की प्रेजेंस देखी जाती है। क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता ही होता है। Pigments trap the solar energy and synthesize food for themselves. These pigment occur in membranes of thylakoid. Thylakoid की membrane में ये pigment पाए जाते हैं और उन्हीं से होता है सारा का सारा reaction. Now, photoautotrophic bacteria photosynthesis is anoxygenic. No oxygen is evolved during the photosynthesis क्योंकि ये water को use नहीं करते. CO2 ये देखिए hydrogen sulfide, ठीक है ना? So they are using, what are they using? हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज करके अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, ये देख लीजिए, दिस इज द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ठीक है ना? दैट्स व्हाई दीज मोनेरन्स आर कॉमनली फाउंड नियर द बॉटम ऑफ पॉन्ड और लेक. हाइड्रोजन सल्फाइड CO2 एट द बॉटम ऑफ दीज वाटर बॉडीज, दे रिड्यूस सल्फर एंड अदर कंपाउंड आर इजिली अवेलेबल, वहीं पर अपना ये कार्यक्रम कर रहे हैं, ठीक है ना? हाँ जी. So hydrogen, now photoautotrophic hydrogen is obtained either directly from various inorganic या organic, जैसे hydrogen sulfide, green bacteria. This hydrogen is picked up by NAD+ and used for synthesis of organic compound. सीधी सी बात है, हाइड्रोजन ही चाहिए, हाइड्रोजन मिल गया. Now chemoautotrophic, they manufacture their own food from inorganic raw material. अभी जो आप लोग चैट में लिख रहे थे वो chemoautotrophic बैक्टीरिया हुए. The energy is obtained from oxidation of inorganic material, और इसके साथ साथ ATP का प्रोडक्शन करते हैं, सीधी सी बात है. Now chemoautotroph में नाइट्रीफाइंग आ गए, सल्फर ऑक्सीडाइजिंग आ गए, आयरन बैक्टीरिया आ गए, ठीक है ना? ये देख लीजिए, नाइट्रोसोमोनास नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, सल्फर वाले बेगियाटो और फेरोबैसिलस, ठीक है ना? थायोबैसिलस भी कहीं कहीं पर आपको मिल जाएंगे क्योंकि आयरन के एरियाज में वो भी पाए जाते हैं. Nitrosomonas and Nitrococcus oxidize ammonia to nitrite and release energy. नाइट्रोजन साइकिल में भी इनके बारे में पढ़ चुके हैं. सल्फर ऑक्सीडाइजिंग कलरलेस सल्फर बैक्टीरिया हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में रिड्यूस करता, कन्वर्ट कर देता है, ऑक्सीडाइज बोलेंगे क्योंकि हाइड्रोजन का रिमूवल कर दिया. बेगियाटोआ एंड थायोबैसिलस, नाम याद रखिएगा. थोड़ा जल्दी इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि आपका मेन ध्येय होता है क्वेश्चंस के ऊपर, तो मेरा भी उद्देश्य है क्वेश्चन आपको जल्दी से जल्दी कराए जाएं. हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, इनके बारे में तो जानते ही हैं, इनको एक्सटर्नल सोर्स से चाहिए क्योंकि ये खुद अपना खाना नहीं बनाते. तो ये सैप्रोफिटिक हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं, सिम्बायोटिक हो सकते हैं. सैप्रोफिटिक, फ्री लिविंग बैक्टीरिया विच ऑब्टेन देयर एनर्जी फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. गिरी हुई पत्तियां, वेजिटेबल एंड फ्रूट लीफ, एनिमल एक्सक्रीटा, कॉर्प्स ऑफ एनिमल, डेड बॉडीज में से अपना न्यूट्रिशन छीन लिया करते हैं, निकाला करते हैं, ठीक है ना? भूमिका, बच्चों नीट 2021 के लिए क्रैश कोर्स चल रहा है, बीट द नीट. आप लोग मुट्ठी भर बच्चे हैं और आपको भी पता नहीं है इसके बारे में, तो आप लोग प्रीवियस लेक्चर्स को भी जरा देखें. और जो बच्चे नए आए हैं इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से भी सब्सक्राइब करिए. अरे भैया चैनल नया है, मैं थोड़ी नया हूं, आप खुद बताइए आपने क्या मुझे नया समझ रखा है क्या? आपका ये चैनल अनलॉक नीट, आपका और हमारा चैनल, ये चैनल जरा नया है, मैं तो वही हूं ना पुराना, फिर ऐसे कैसे काम चलेगा? सो नाउ द बैक्टीरिया फेरोबैसिलस ऑब्टेन एनर्जी बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग फेरस आयन इनटू फेरिक फॉर्म, वो आयरन बैक्टीरिया करते हैं. सैप्रोट्रॉफिक, ब्रेक करेंगे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड इनटू सॉल्यूबल, इनको क्लीनर्स ऑफ द एनवायरनमेंट कहा जाता है, एनवायरनमेंटल क्लीनर है, पॉल्यूशन को ये रिड्यूस करते हैं, ठीक है ना? सॉइल शुड नॉट बी पॉल्यूटेड एज पॉल्यूशन ऑफ सॉइल बाय हार्मफुल केमिकल एंड सब्सटेंसेस कैन किल दीज यूजफुल ऑर्गेनिज्म. अब मिट्टी में रहते हैं, सॉइल में, जैसे एक्टिनोमाइसिटस वगैरह हो गए, मोनेरन्स ही तो हैं. अब सॉइल में आप हार्मफुल केमिकल डालेंगे तो ये खत्म हो जाएंगे, फिर कुछ नहीं होगा डिकम्पोजिशन, तो फिर परेशान होंगे. नाउ सिम्बायोटिक में राइजोबियम है, जैसे कि नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट में पाया जाता है, इन एसोसिएशन ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ रहते हैं. राइजोबियम फिक्स करता है नाइट्रोजन. एस्चेरिशिया कोलाई लिव्स इन द ह्यूमन इंटेस्टाइन वेयर इट प्रोड्यूसेस विटामिन बी एंड के. हमारे इंटेस्टाइन में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, बी का प्रोडक्शन और विटामिन के का प्रोडक्शन एस्चेरिशिया कोलाई करता है. एंड इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ अदर पेट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जो डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया हैं उनकी ग्रोथ को नहीं होने देता है. पैरासिटिक, दे लिव इन कॉन्टैक्ट विद अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे कॉज डिजीजेस ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ द होस्ट सेल और ड्यू टू सिक्रीशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस। ये आ गई लिस्ट। लिस्ट के बाद हम चलेंगे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। तो आपके अब ज्यादा इंतजार की जरूरत नहीं है, आप सब वेट करिए, क्वेश्चन होने जा रहा है। न्यूमोनिया, न्यूमोनिया कौन करता है? डिप्लोकोकस न्यूमोनिए। टाइफाइड कौन करता है? सैल्मोनेला टाइफोसा या टाइफी, ठीक है ना। कॉलेरा विब्रियो कॉलेरी। प्लेग ब्लैक डेथ, पेस्ट्यूरेला पेस्टिस, पहले इसका नाम था पेस्ट्यूरेला पेस्टिस, अब येरसिनिया पेस्टिस के नाम से भी जाना जाता है। येरसिनिया पेस्टिस, ये भी लिख लीजिए, येरसिनिया पेस्टिस। सो पेस्ट्यूरेला पेस्टिस या येरसिनिया पेस्टिस। गोनोरिया कौन करता है? निसेरिया गोनोरिए। डायरिया कौन करता है? बैसिलस। गैस्ट्रोएंटाइटिस ई कोलाई। गैंगेरिन क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस नामक बैक्टीरिया करता है। वूपिंग कॉफ, हीमोफाइलस परटूसिस, परटूसिस यानी कि वूपिंग कॉफ, बच्चों में ये डिजीज देखी जाती है। प्लांट डिजीजेस, सॉफ्ट रॉट ऑफ पोटैटो, स्यूडोमोनास सोलानेसियरम। सिट्रस कैंकर, ज़ैंथोमोनास सिट्री। बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ पैडी, ज़ैंथोमोनास ओराइजे। पोटैटो विल्ट डिजीज, स्यूडोमोनास सोलानोरेसियम। ऊपर वाला क्राउन गॉल ऑफ शुगर बीट, कोई भी क्राउन गॉल हो, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। याद रहेंगे, ये सारे नाम याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। अब आपका आ रहा है पहला प्रश्न। सिया वेलकम, मंसूर स्वागत है, ओम स्वागत है, अख्तर और भी काफी बच्चे, आकिब आ चुके हैं, शिषपाल चौधरी, क्या बात है, बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, दैट्स वंडरफुल, लेट्स मूव अहेड। तो बच्चों पहला प्रश्न आज का आपका ये रहा। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। इन बैक्टीरिया द रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर सिचुएटेड इन द पार्ट, कौन से पार्ट में है रेस्पिरेटरी एंजाइम? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, कौन से पार्ट में है? हाँ, शीर्षो कर रहे हैं नाम क्यों चेंज करते हैं, वैसे ही पुराना नाम लेते लेते ऊब गए तो कहते हैं नाम चेंज कर दिया जाए। चलो नहीं बच्चों, नाम इसलिए चेंज करते हैं क्योंकि जीनस वगैरह में जो कंफ्यूजन होता है दूर हो जाता है, तो पता चलता है ये नहीं, ये वाला ज्यादा सटीक है, पहले वाला जो है कंफ्यूजिंग था। हकीकत दुनिया ने भी ज्वाइन कर लिया, आंसर बताओ बच्चों। जुनैद अंसारी स्वागत है। शिषपाल चौधरी ने कह दिया भाई ओल्ड इज गोल्ड, ठीक है, हाँ तो मैं गोल्ड हूं बस, ठीक है, मतलब क्या कहना क्या चाहते हो? हाँ ठीक है, मतलब मुझे खुशी मिली सुन करके कि ओल्ड इज गोल्ड, बट ठीक है, मेरा ओल्ड कहने का मतलब यह था मैं पुराना एजुकेटर हूं आप सबके साथ, नया नहीं हूं, ठीक है ना, अन्यथा कृपया ना लें ठीक है, सबको पता है इसका आंसर, वेरी गुड, देयर यू गो। इस क्वेश्चन का आंसर सबको पता है। इन बैक्टीरिया रेस्पिरेटरी एंजाइम कहां होती है बच्चों? बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन के लिए अलग से कुछ स्ट्रक्चर नहीं होते हैं, तो होता क्या है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है या सेल मेम्ब्रेन, उसकी इनवर्ड फोल्डिंग होती है, बनाते हैं मीसोजोम, और उसी मीसोजोम की मेम्ब्रेन में होता है सारा काम, तो सेल मेम्ब्रेन। रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर सिचुएटेड इन द सेल मेम्ब्रेन। दूसरा प्रश्न, मिल्क बैक्टीरियम इज, ये क्या चीज हुई? मिल्क बैक्टीरियम दूध में पाया जाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है, या दूध को कुछ और कर देने वाला बैक्टीरिया, ऐसे भी समझना है। रुकू स्वागत है बच्चे, थैंक यू फॉर द चॉकलेट्स, वंडरफुल हार्ट्स, बहुत जरूरी है बच्चों। शिवानी, रवि वेलकम। चलिए इस प्रश्न को आंसर दीजिए, मिल्क बैक्टीरियम इज, क्वेश्चन नंबर 2 के साथ ही करिएगा, क्वेश्चन नंबर लिख करके बताइएगा। हाँ जी, नुमन मलिक, मीजोजोम, एब्सोल्युटली करेक्ट। रुकू बहुत बढ़िया, मिल्क बैक्टीरिया कौन सा? क्वेश्चन नंबर 3 का बताइए ना, अच्छा 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का 3, लैक्टोबैसिलस, एब्सोल्युटली करेक्ट, हाँ जी यही है लैक्टोबैसिलस, सबको पता है, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस अकर्स इन, ध्यान से पढ़िए, फोटोसिंथेसिस की बात हो रही है, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, क्लोरोबियम, क्रोमैटियम, ऑसिलेटोरिया, राइजोबियम, इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है, इसका आंसर दें आप लोग फटाफट। नुमन मलिक क्वेश्चन नंबर तो लिख दो बच्चे, बच्चे क्वेश्चन नंबर तो लिख दो, कौन से प्रश्न का आंसर आप कर रहे हो? रवि किसका कर रहे हैं 2.33334 लिख रहे हैं आंसर। लैक्टोबैसिलस ठीक है, आगे भी तो बताइए क्वेश्चन। साकिब क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 4। चलिए और भी बच्चे आंसर दीजिए। ओनली साकिब हैज आंसर्ड 3 का 1, 3 का C, 3 का A। मिक्स्ड आंसर्स आ रहे हैं। वैसे शीर्षो ने सबसे पहले सही आंसर दिया है, शीर्षो का आंसर सबसे पहले करेक्ट है। देखिए कैसे, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस यानी कि ऑक्सीजन रिलीज करने वाला फोटोसिंथेसिस कौन करता है? ब्लू ग्रीन एल्गे, वो भी तो एक तरह के मोनेरन्स ही हैं। तो ऑसिलेटोरिया, ऑसिलेटोरिया करता है ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, बाकी कोई नहीं। राइजोबियम तो मतलब ही नहीं है, तो लेग हीमोग्लोबिन होता है, ऑक्सीजन आ जाए तो हाय तौबा मच जाए। विब्रियो कॉलरे इज लाइक, विब्रियो कॉलरी जो है वो स्प्रिंग जैसा है, कॉमा जैसा है, स्फीयर जैसा है, रॉड जैसा है। कैसा है, कैसा है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर अब आपको देना है। प्रश्न आपके समक्ष, देखें, एनालाइज करें और आंसर फटाफट दे दें। विब्रियो कॉलरी इज लाइक, विब्रियो कॉलरी किसके जैसा होता है? स्प्रिंग जैसा, कॉमा जैसा, स्फीयर जैसा या रॉड जैसा? कैसा दिखता है? चलो 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 फटाफट फटाफट, बातें कम काम ज्यादा। विब्रियो कॉलरी, वेरी गुड, सबको पता है कॉमा शेपेड बैक्टीरिया है। विब्रियो कॉलरी इज अ कॉमा शेपेड बैक्टीरिया। स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ ग्रोथ, डिवीजन एंड रिप्रोडक्शन आर, सबसे छोटे ऑर्गेनिज्म जो ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, डिवीजन सब कुछ करते हो, ग्रोथ भी करते हो, रिप्रोडक्शन भी करते हो, डिवीजन भी करते हो प्रॉपर तरीके से, और स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म हो, वो कौन से हैं? विच ऑफ देम आर द स्मॉलेस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म? क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है, फटाफट आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 5 इज देयर, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स कैपेबल ऑफ ग्रोथ, डिवीजन एंड रिप्रोडक्शन आर बैक्टीरिया, वायरस, माइकोप्लाज्मा या एक्टिनोमाइसिटिस। रजा ने कह दिया, जुनैद अंसारी ने कह दिया है, एंड आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव गिवन द करेक्ट आंसर, जो सी को कह रहे हैं करेक्ट, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा गैलिसेप्टिकम दुनिया का सबसे छोटा सेल भी है। माइकोप्लाज्मा को क्या कहते हैं? जोकर्स ऑफ द प्लांट किंगडम। क्यों कहते हैं जोकर, अभी बताऊंगा नहीं क्योंकि आगे प्रश्न हो सकता है। हेटेरोसिस्ट स्पेशलाइज्ड फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, अकर इन सर्टेन, काहे में पाए जाते हैं हेटेरोसिस्ट स्पेशलाइज्ड फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, कहां आकर करते हैं? ठीक है, ऐसा पोज कहां होता है? ऐसे ये पोज होता है उनके लिए जो चढ़ते रहते हैं, चढ़ते रहते हैं, चढ़ते रहते हैं। टाइगर वाला एटीट्यूड नहीं है ये, दिस इज नॉट द टाइगर एटीट्यूड, है ना। ऐसा है कि भाई मवेशी हैं, चरवाहे भी आराम से निठल्ला घूम रहे हैं कि भैया इनका तो काम खत्म नहीं हो रहा है। टाइगर एटीट्यूड वाले ऐसा काम नहीं करते हैं। जो टाइगर स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं वो ऐसे हाथ पर हाथ धर के नहीं, वो तो सोते हैं आराम से, जब मौका लगेगा तब काम करेंगे। तो मेहनत उतनी ही करनी चाहिए जितने से काम हो, और लगे पड़े हैं सुबह से लेकर शाम तक, आखिरी में थक के हार गए, कुछ हुआ नहीं। सर हमसे तो हो ही नहीं रहा, कहां से होगा? आपको एनर्जी कंजर्व करने का तरीका नहीं पता। हेटेरोसिस स्पेशलाइज फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन कहां देखे जाते हैं? रेड एल्गे, ग्रीन एल्गे, नॉट एट ऑल, ब्राउन एल्गे, ब्लू ग्रीन एल्गे में हेटेरोसिस। क्योंकि बच्चों ध्यान रहे, नाइट्रोजन फिक्सेशन की जो प्रॉपर्टी है ये सिर्फ और सिर्फ करते हैं मोनेरन्स, ओनली मोनेरन्स, ओनली मोनेरन्स, ओनली मोनेरन्स कैन डू दिस। ये सिर्फ और सिर्फ मोनेरन्स की प्रॉपर्टी है नाइट्रोजन फिक्सेशन की, और किसी की प्रॉपर्टी है ही नहीं। तो कोई करेगा कैसे? आंसर लगाओ भाई, ब्लू ग्रीन एल्गे, मोनेरा ही तो है, किंगडम मोनेरा। फूड पॉइजनिंग इज ड्यू टू, देखें कितने बच्चों ने आंसर देना है। हाउ मेनी ऑफ यू कैन गिव यू दिस आंसर? नुमन रहने दो, रहने दो, ज्यादा मत करो, बहुत ज्यादा बात नहीं करो। नहीं मुझे पता चल गया, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। चलो इसका आंसर करो फटाफट। चलिए इसका आंसर कीजिए। फूड पॉइजनिंग कौन करता है? सैल्मोनेला टाइफी, एस्चेरिशिया कोलाई, बैसिलस मेगाथेरियम या क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। इतना प्यारा सा नाम है और उसके बाद भी कोई आकिब ने सही आंसर दिया, शीर्षो ने सही आंसर दिया, रवि ने सही आंसर दिया। अच्छा, काफी बच्चे हैं जो सही आंसर दे रहे हैं। देखो कितना प्यारा नाम है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। नाम सुनकर तसल्ली आ जाती है लेकिन काम इसका बड़ा खतरनाक है। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम खतरनाक है, फूड पॉइजनिंग करता है और न्यूरोटॉक्सिन रिलीज करते हैं ये क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। बड़े खतरनाक होते हैं इंसानों के लिए, इंसानियत के लिए। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज वाज पुट फोर्थ बाय। जर्म थ्योरी किसने दी कि डिजीज है तो उसके पीछे कोई कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होगा, और अगर पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होगा तो उसे आइडेंटिफाई भी किया जा सकता है, और अगर आइडेंटिफाई हो गया उसको किसी बॉडी में इन्फेक्ट करने के लिए भेजा गया तो इन्फेक्शन दोबारा होगा। ये किसने दिया था? एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन कोई करेक्ट आंसर तो दे, तब तो एब्सोल्युटली करेक्ट बोलूं मैं। मैंने तो बोल दिया एब्सोल्युटली करेक्ट। लेट मी चेक। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा रिया, हाँ बच्चे वो स्क्रॉल करने में जरा दिक्कत हो गई थी, स्क्रॉल ठीक से हो नहीं रहा था, ऊपर नीचे हो गया था, इस वजह से दिक्कत थी। चलिए अब इस क्वेश्चन में सारे बच्चे मतलब अपने अपने आंसर दिए जा रहे हैं लेकिन सटीक आंसर किसी का नहीं दिखा। किसी ने सही आंसर दिया हो तो दोबारा करिए। रिया गलत आंसर है, गलत 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 गलत। अरे कोई तो सही कह दो। शिवानी ने सही आंसर दे दिया, बिल्कुल सही बात है, रॉबर्ट कॉच, जिसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज भी मिला। पिछले सेशन में ही हमने डिस्कस किया था कॉचेस पोस्टुलेट के बारे में, और रॉबर्ट कॉच के जो पोस्टुलेट हैं वो बहुत बढ़िया एक तरह का मतलब एक तरह का अचीवमेंट है, तो बैक्टीरियोलॉजी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स कहा जाता। पैस्चर ने जर्म थ्योरी नहीं दी थी, जर्म थ्योरी वॉज गिवन फॉरवर्ड बाई कॉच। कॉचेस पोस्टुलेट जर्म थ्योरी का इन्हीं को माना जाता है जनक। Pili are employed by bacteria for locomotion, sexual contact, asexual reproduction, locomotion of prey, location of prey. खाना कहाँ है या शिकार कहाँ है उसको लोकेट करने में काम आता है। चलो इसको बताइए, Pili are employed by bacteria for, किस काम में Pili यूज किए जाते हैं, किस काम में यूज किए जाते हैं Pili। ठीक है, फटाफट करिए और बताइए for what purpose are the Pili used? पिलाई किस पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं, किस पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं बताइए। पिलाई आर एम्प्लॉयड बाय बैक्टीरिया फॉर लोकोमोशन, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लोकोमोशन, लोकेशन ऑफ प्रे। आंसर आने शुरू हो गए हैं। चलो जी, कौन कौन से बच्चे हैं? बी वाले बच्चे निकलिए, आ जाइए लाइन से। बी वाले बच्चे, बी ऑप्शन गलत है। सेक्स पिलाई नाम है बस, सेक्स पिलाई क्या करते हैं? कॉन्जुगेशन ब्रिजेस बनाते हैं, इसको सेक्सुअल कॉन्टैक्ट नहीं बोलते हैं। पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है बच्चे, इट इज नॉट अ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट प्रोसेस। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बोल के बैक्टीरिया में कुछ नहीं होता है। पिलाई आर एम्प्लॉयड फॉर सिर्फ क्या होता है? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन करते हैं। हाँ, हम कह सकते हैं कि अ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बोल के बैक्टीरिया में कुछ भी नहीं है प्रोसेस। तो ये रिप्रोडक्शन तो एसेक्सुअल के अंडर नहीं आता क्योंकि बैक्टीरिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल के नहीं है कुछ इनमें। पैरासेक्सुअल है, इसको हम कह देते हैं सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट इट्स नॉट अ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। ठीक है ना, रिप्रोडक्शन कहें तो एसेक्सुअल ही है पिलाई का जो कार्यक्रम है, सेक्स पिलाई कहे जाते हैं, कॉन्जुगेशन ब्रिजेस बनाते हैं। एन ऑब्लिगेट एनारोब इज, इनमें से ऑब्लिगेट एनारोब कौन सा है? विच वन इज एन ऑब्लिगेट एनारोब? यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, मीथेन बैक्टीरिया या अनियन रूट सेल, इनमें कौन सा ऑब्लिगेट एनारोब के नाम से जाना जाता है? फटाफट बताइए भाई। रीजन समझ गए ना, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बोल के क्या है? गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट होता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, इसमें कौन सा गैमेटेंजिया है? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट नहीं बोल सकते उसको, तो वो देख करके लगता है टेम्पटिंग कि आंसर यही होना चाहिए, बट दैट्स नॉट द आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑब्लिगेट एनारोब मीथेन बैक्टीरिया, वेरी गुड करेक्ट। बैक्टीरिया एंड अदर मोनेरन्स डू नॉट पोसेस, बैक्टीरिया और जो दूसरे विभिन्न मोनेरन्स हैं उनके पास क्या नहीं पाया जाता? What do they do not possess, what they do they don't have? ठीक है, फटाफट बताइए क्विकली। चलिए, बहुत से बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया। बच्चों देखो, बैक्टीरिया और जो भी मोनेरन है उनके पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। बॉटुलिज्म क्या है भाई? बॉटुलिज्म क्या है? प्लांट डिजीज ड्यू टू पैरासिटिक बैक्टीरिया, वेरियस ऑर्गेनिज्म की डिजीज, टाइप ऑफ फूड पॉइजनिंग, वायरल डिजीज। क्विकली आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, 12वें प्रश्न का उचित आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 12 का जो एक्चुअल आंसर है वो दे दीजिए। 12वें प्रश्न का उचित आंसर देना है आवश्यक, तो दीजिए जरा राइट आंसर। प्रश्न नंबर 12, 11वां प्रश्न हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों। 12 नंबर प्रश्न पर आंसर देना है। बॉटुलिज्म क्या चीज है? वेरी गुड, शीर्षों ने सबसे पहले आंसर दिया। रिया, बच्चे फास्ट ही करेंगे तभी क्वेश्चन होंगे ज्यादा। अब आगे और क्वेश्चंस ज्यादा होंगे क्योंकि मैंने कहा है इस चैप्टर के बाद अपना मोड चेंज हो जाएगा। इशफाक अहमद, यस यू आर मोस्ट वेलकम। फूड पॉइजनिंग है बच्चे, बॉटुलिज्म एक टाइप का फूड पॉइजनिंग को कहते हैं। विनेगर कैसे प्रोड्यूस होता है? यहां तो बड़ा प्रश्न है, मैं हट जाता हूं, स्क्रीन से हट गया मैं। अब आप देखें, एनालाइज करें, रियलाइज करें, बताएं विनेगर के बारे में सारी चर्चा। देखें बच्चों, फटाफट इस प्रश्न को समझने की कोशिश करें, प्रयास करें, एनालाइज करें, रियलाइज करें और समझने की कोशिश करें। लेट मी हैव अ लुक व्हाट इज द करेक्ट आंसर। बच्चों आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। आप लोगों के चैट थोड़ा सा डिले के साथ आते हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट, तनिषा ने करेक्ट आंसर दे दिया, रिया ने करेक्ट आंसर दे दिया, शीर्षो ने करेक्ट आंसर दे दिया, जुनैद अंसारी ने करेक्ट आंसर दे दिया। वाह भाई वाह, क्या बात है, बहुत से बच्चों ने करेक्ट आंसर दे दिया है। टू स्टेप प्रोसेस है बच्चों, विनेगर यानी कि एसिटिक एसिड का प्रोडक्शन टू स्टेप प्रोसेस है। फर्स्ट फर्मेंटेशन ऑफ शुगर होता है ईस्ट के द्वारा, सेकेंड होता है फर्मेंटेशन ऑफ इथाइल एल्कोहल बाई एसिटिक एसिड बैक्टीरिया। एब्सोल्युटली करेक्ट, so this is the right answer। ठीक है ना, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर बाई लैक्टोबैसिलस, शुगर का फर्मेंटेशन लैक्टोबैसिलस कब से करने लगा? सैकरोमाइसेस सेरिवाइसेस शुगर का फर्मेंटेशन करता है, लेकिन फर्मेंटेशन ऑफ शुगर दोनों ऑप्शन एक ही हैं। एनीवे, फर्मेंटेशन जो शुगर का होता है उसमें इथाइल अल्कोहल प्रोड्यूस होता है जो कि फर्स्ट स्टेप है ना, और फिर एसिटोबैक्टर एसेटी बनाता है एसिटिक एसिड। नाउ बैक्टीरियल सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ, बैक्टीरियल सेल वॉल इनमें से कौन सी चीज को मिला करके बनता है, मतलब किस कंपाउंड से बनता है? व्हाट इज इट कंपोज्ड ऑफ? पवन ने बहुत बढ़िया हिंदी लिख दिया है, सी। और बच्चों लाइक भी करो सेशन को लाइक कर दीजिए, इच्छा हो तो, है ना, लाइक कर दिया करो भाई, कहना नहीं पड़ा करे। और सब्सक्राइबर भी बढ़वाइए, जितने जैसे जितने सब्सक्राइबर बढ़ेंगे उतनी एनर्जी लेवल हमारी भी बढ़ती जाएगी, सीधी सी बात है। नया चैनल है, 26 जनवरी को आपके लिए लॉन्च हुआ है, तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़वाएं और खुद भी सब्सक्राइब करें, दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है, बहुत बढ़िया, उम्दा। मतलब जैसे मैंने किसी से पता नहीं ऐसी नायाब चीज मांग ली, एक लाइक देकर के खींच लिया। अच्छा जी, चलो कोई बात नहीं, मर्जी आपकी है, ठीक है ना। आज किस्मत ने आपको वो मौका दिया है कि आप अपना बहुकीमती बेशकीमती लाइक दे सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा वो मौका रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। और जब मौका ना रहे तो फिर मत कहिएगा कि सर अब मौका नहीं रहा। चलिए, बैक्टीरियल सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ म्यूकोपेप्टाइड एंड पेप्टिड और पेप्टिडोग्लाइकन, एक ही बात। अगला प्रश्न, ऑस्मोट्रॉफ्स आर, कौन कौन से हैं ऑस्मोट्रॉफ? बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। थम्स डाउन वालों को भी धन्यवाद, है ना, और जो लाइक करें उनको भी धन्यवाद। कोई दिक्कत की बात नहीं है, सबका हिसाब लूंगा मिशन 2030 में। ध्यान रहे, नीलगिरीज में, वहां पर फिर मत कहना कि सर हमें नहीं बुलाया या हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। पहुंचना है मिशन 2030, तो बनना है डॉक्टर, तभी आमंत्रण और निमंत्रण है। काइटिन फंजाई में होता है, बिल्कुल सही बात है रिया। क्वेश्चन नंबर 15, ऑस्मोट्रॉफ कौन कौन से हैं? बैक्टीरिया, फंजाई, बोथ एंडी और एल्गे कौन कौन से हैं ऑस्मोट्रॉफ? फटाफट बता दीजिए ऑस्मोट्रॉफ कौन कौन से हैं, विच ऑल आर नोन एज ऑस्मोट्रॉफ। ऑस्मोट्रॉफ का मतलब यही है कि सिंपल सी बात है, एब्जॉर्प्टिव टाइप का न्यूट्रिशन। वेरी गुड, रिया ने बिल्कुल सही कहा है ऑस्मोट्रॉफ। अरे भाई ऑस्मोसिस टाइप, ऑस्मोसिस क्या होता है? एब्जॉर्प्शन टाइप का। कहने का मतलब है सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड को एब्जॉर्ब कर सकते हैं ऑस्मोटिक प्रोसेस के थ्रू। तो बोथ ए एंड बी, बैक्टीरिया भी यही करते, फंजाई भी यही करते, दोनों इसी कंडीशन के साथ रहते हैं। माइकोप्लाज्मा डिफर्स फ्रॉम बैक्टीरिया इन द एब्सेंस ऑफ। माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया से कैसे अलग हैं, कैसे डिफरेंट हैं इन द एब्सेंस ऑफ? किस चीज की एब्सेंस होती है इनमें? सो माइकोप्लाज्मास differ from bacteria in the absence of DNA, ribosome, cell membrane या cell wall किसकी absence में differ करते हैं? Question number 16 आ चुका है, फटाफट करें आंसर। शाहिद, मोहम्मद इस्माम, प्रवीण, बच्चों टेक्नोलॉजी के नाम से भी कुछ बच्चे आए हुए हैं। प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, माइकोप्लाज्मा डिफर फ्रॉम बैक्टीरिया इन एब्सेंस ऑफ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, तनीषा करेक्ट आंसर, प्रवीण करेक्ट आंसर, इनामुल हुसैन करेक्ट आंसर, शाजिद करेक्ट आंसर। सबको पता है मतलब, है ना? सेल वॉल, ये है करेक्ट आंसर, सेल वॉल। ठीक है, अगला प्रश्न, जीनोफोर या बैक्टीरियल जीनोम इज मेड अप ऑफ व्हाट? बैक्टीरियल जीनोम किस चीज से बना हुआ है? कुछ भी नहीं है, डायग्राम। बैक्टीरियल जीनोम या जीनोफोर किस चीज से बना हुआ है? व्हाट इज इट मेड अप ऑफ? जीनोफोर या बैक्टीरियल जीनोम इज मेड अप ऑफ विच ऑफ इट? हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन, आरएनए एंड हिस्टोन, अ सिंगल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए या सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। आंसर आप सभी को पता होना चाहिए, बड़ा ही सीधा साधा प्रश्न है, सिंपल सा क्वेश्चन है। So you must be aware of the answer. ठीक है, क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर दिया करो बच्चे। क्वेश्चन 17, हाँ जी हाँ जी, मोहम्मद इस्माम ने कह दिया, तनिषा ने कह दिया है, 17 का आंसर दे रहे हैं बच्चों। किस चीज से बना हुआ? देखो बैक्टीरियल जीनोम की बात हो रही है, तो बैक्टीरियल जीनोम होता कैसा है? एक सिंगल होता है क्रोमोसोम, यानी कि वो क्रोमोसोम डीएनए से बना होता है, तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। और कितना होता है? आ सिंगल, मतलब एक सिंगल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से बना होता है बैक्टीरियल जीनोम। हिस्टोन एंड हिस्टोन आर के बैक्टीरिया में होते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन तो होता ही नहीं कोई इसमें। आरएनए एंड हिस्टोन, आरएनए की बाइंडिंग हिस्टोन के साथ होती नहीं है। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है जरूर, लेकिन डीएनए है जरूर, सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं है, डबल स्ट्रैंडेड है, लेकिन सिंगल है। डबल स्ट्रैंडेड सिंगल डीएनए है ना, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है सिंगल। इन साइनोबैक्टीरिया रिप्रोडक्शन इज, साइनोबैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन किस किस प्रोसेस के थ्रू होता है? प्रश्न नंबर 18 आ चुका है और इसका आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 18 इज देयर। बड़े सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, इन क्वेश्चन में मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि जो बच्चे 2021 के एस्पायरेंट हैं वो सब सही करें, क्योंकि अभी खैर एग्जाम की डेट नहीं आई है, तो ये खुशकिस्मती है आप लोगों की, एग्जाम की डेट अभी फाइनल नहीं हुई है, तय नहीं हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत जल्द आ जाएगी, डेट आ जाएगी। मिशन 2030 के लिए तैयार है? वेरी गुड, चलिए इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, इन साइनोबैक्टीरिया रिप्रोडक्शन इज वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, या ओनली सेक्सुअल, या ओनली सेक्सुअल कैसी होती है? साहिल ने करेक्ट आंसर दिया और सिर्फ साहिल ने दिया, एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव, बिल्कुल सही जवाब है साहिल आपका। अब आ रहे हैं सारे आंसर, 19 आ गया बच्चों। अब इसका बता दीजिए, प्रोकैरियोटिक सेल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय, प्रोकैरियोटिक सेल्स किस चीज के द्वारा कैरेक्टराइज्ड होते हैं। ओहो, ये कहां से आ गया? अरे रुको रुको रुको, मामला गड़बड़ हो गया। सारी इंक निपट गई, सारा मार्किंग चला गया। अब मैं मार्क नहीं करूंगा, जो भी मार्क किया था, जो लिखा था, सब मिट गया। किए पर पानी फिर गया। चलो क्वेश्चन के आंसर तो मार्क ही कर दूं, नहीं तो बच्चों दिक्कत होगी। इन बैक्टीरिया रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर सिचुएटेड इन विच पार्ट? सेल मेम्ब्रेन। अरे कुछ ज्यादा गड़बड़ हो गया है मामला। मैं तो कुछ और करने की कोशिश कर रहा था, वो कुछ और गया। तो सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। मिल्क बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस। तीसरा था ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस ऑसिलेटोरिया। विब्रियो कॉलेरी कॉमा। इसके बाद स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म माइकोप्लाज्मा। इसके बाद हेटरोसिस्ट ब्लू ग्रीन एल्गे में पाए जाते हैं। फूड पॉइजनिंग क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिनम। जर्म थ्योरी रॉबर्ट कॉच। पिलाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह सकते हैं। ऑब्लिगेट एनरोब इज मीथेन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया एंड अदर मोनेरन्स डू नॉट पॉसेस माइटोकॉन्ड्रिया। साथ ही साथ बॉटुलिनम इज अ टाइप ऑफ फूड पॉइजनिंग। विनेगर इज प्रोड्यूस्ड बाय अ 2-step प्रोसेस। बैक्टीरियल सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ म्यूकोपेप्टाइड। ऑस्मोट्रॉप्स आर बोथ ए एंड बी। माइकोप्लाज्मा डिफर फ्रॉम बैक्टीरिया इन द एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। जोकर्स ऑफ द प्लांट किंगडम। जीनोफोर बैक्टीरियल बता दिया। साइनोबैक्टीरिया रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। चलिए, हाँ कह सकते हो रजा, कुछ इंटरनेट का इशू हो सकता है जिसकी वजह से वो एकदम से गायब हो गया और फिर आ गया। चलिए इसका आंसर दीजिए, इसका आंसर दीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दीजिए। प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या कैरेक्टराइजेशन है, क्या पाया जाता है? रिया आंसर अब दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, आपके मैसेजेस दिख रहे हैं, मैंने 2 बार पढ़ लिया, ऐसा क्या है। सो एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप, सबने करेक्ट आंसर दिया है, कोई न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होता। अगला प्रश्न, रिकेट्सिए कॉन्स्टिट्यूट अ ग्रुप अंडर। रिकेट्सिए कौन है, ये किसके अंडर में आते हैं? वेयर डू द रिकेट्सिए फॉल अंडर? अभी भी क्वेश्चन है, खत्म नहीं हुए, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आ चुका है, आंसर करें आप लोग फटाफट। Question number 20 has come, so you need to answer quickly. शेखर स्वागत है। रिया ने आंसर किया है क्वेश्चन नंबर 20 का, गलत आंसर। रिया देखो, मैंने सबसे पहले बता दिया, आपने गलत आंसर दिया है। रिया गलत है, गलत है, गलत है। सीड शो गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। अरे भाई सब सीसीसी करे जा रहे हैं, क्यों भाई सीसीसी क्यों है? रिकेट्सिया आर अ ग्रुप अंडर बैक्टीरिया बच्चों, यू बैक्टीरिया में आते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, दे आर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। समीर ने बिल्कुल सही आंसर दिया, समीर ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया इस प्रश्न का। अगला प्रश्न, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म विच कॉज डिजीज इन प्लांट्स आर। प्लांट में डिजीज कॉज करने वाले स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म कौन से हैं, देख के बताइए। क्वेश्चन नंबर 21, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म कौन से हैं जो प्लांट्स में डिजीजेस करते हैं? स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म विच कॉज डिजीज इन प्लांट्स आर, कौन कौन से हैं जो प्लांट में डिजीज करते हैं? विच इज द स्मॉलेस्ट वन विच कॉजेज डिजीज इन द प्लांट। देख लो भला आंसर, आप देखो, नो चीटिंग है ना, आंसर देखना है। शीर्षो फटाफट बताइए। टाइगर स्ट्रैटेजी, टाइगर स्ट्रैटेजी बहुत है जरूरी, सबने देख ही ली होगी नहीं? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। वायरसेस, एब्सोल्युटली करेक्ट, दे आर द वायरसेस। इन नॉस्टॉक बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट द राइबोसोम्स आर। चलिए, नॉस्टॉक में, बैक्टीरिया में, प्रोकैरियोट में राइबोसोम कैसे होते हैं? कल बच्चों प्रोटिस्टा किंगडम के ऊपर है डिस्कशन, तो मोनेरा कंप्लीट हो गया, कल प्रोटिस्टा और परसों फंजाई, उसके बाद फिर मतलब रिप्रोडक्शन यूनिट क्लास 12th का स्टार्ट कर देंगे और ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी करेंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन कल से स्टार्ट हो रहा है लेक्चर, ठीक है ना। और कल सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम डिस्कशन करेंगे शाम 6 बजे के सेशन में, तो आप सबको आना है शाम 6 बजे। एब्सोल्युटली करेक्ट, सबको पता है इसका आंसर। अरे 50s के साथ भी हैं बच्चे, नहीं गलत है, 70s। 70s इज द राइट आंसर। अरे भाई प्रोकैरियोट में जो राइबोसोम होता है वो 70s का होता है। हाँ, उस 70 में 2 सब यूनिट होते हैं, एक 30s होता है और एक 50s होता है, इतना होता है, लेकिन होता तो 70s ही है ना। हाँ, तो ये बात बिल्कुल समझ लीजिए, किसी भी तरह से कोई कंफ्यूजन ना रहे, 70s, ठीक है ना। सो नॉस्टॉक में, बैक्टीरिया में, प्रोकैरियोट में राइबोसोम 70s हैं। समझ में आई बात। इसी के साथ नीट 2022 बैच, इस बैच में जो बच्चे आते हैं, जो नहीं आते वो आ जाए। ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। मैं हूं, आशीष दीवान सर हैं, पंकज सर हैं और कौशल सर हैं। साथ ही साथ प्रयास बैच भी 2022 के लिए स्टार्ट हो चुका है, अरमान बैच आ चुका है, लक्ष्य बैच 2021 के लिए और स्टेप अप बैच इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए आ चुका है। कंप्लीट पैकेज टू क्रैक नीट इज हियर, अनअकैडमी के डिफरेंट चैनल्स, सो ऑल आर नीट यूजी चैनल एंड टुगेदर लेट्स क्रैक इट। और आप सबको पता है सारे चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, अनलॉक नीट को जरूर करना है क्योंकि मिशन 2030 में अनलॉक नीट होगा आपके साथ, ध्यान रहे, तो जरूरी है बच्चों। यू कैन फॉलो मी हियर, ये देखो ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं, https://unacademy.com/@pradeep live, ठीक है। और यूज करिए कोड प्रदीप लाइव फॉर ज्वाइनिंग विद प्लस सब्सक्रिप्शन। टेलीग्राम ऐप को भी फॉलो करना अति आवश्यक, क्योंकि इस पर ही हम भेजते हैं अपने सारे के सारे जो भी पीडीएफ्स हैं वो भी भेज देते हैं। तो टेलीग्राम ऐप को सबसे पहले करें इंस्टॉल, ठीक है ना, और फिर अनलॉक नीट चैनल और इस चैनल के टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर यू, थैंक यू, see you all again in the next session tomorrow, take care all of you.